नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बात आपसे कहता हूं कि जब मैं कोई नई वीडियो डालता हूं या जब निशुल्क सारा कुछ कार्य करता हूं तो कुछ छछूंदर टाइप के लोग पैदा हो जाते हैं, भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे, और इतना अच्छा कमेंट करते हैं और इतना अच्छा लिख के पहले लिखेंगे हेडिंग जो रहेगा महाकाल साधक, भगवती कपाली, एस्ट्रोलाइजर, उसके बाद वो अभद्रता के साथ कमेंट करते हैं और फिर उस कमेंट में ऐसा लिखेंगे कि हमारे जो दर्शक रहे हैं वो उनकी तरफ मूवमेंट इस तरीके से जाए, मैं 25 सालों से साधना की है, मैं जानता हूँ इसको कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी मैं किसी का कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि भगवती ने मुझे इतना दे रखा, मैं किसी का नहीं करता हूँ। जब इस तरीके से वो डायलॉग मारते हैं तो जाहिर सी बात है आप उनकी तरफ इंप्रेस होंगे, तो बहुत से लोग गुरुजी नंबर दीजिए, गुरुजी ये दीजिए, नहीं 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 नाना करके फिर बाद में नंबर दे देते हैं, आप उनसे ठग जाते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, मैं नेहा कुमारी, मैं बहुत ब्राह्म पंडितों के पास गई, अफसोस की बात यह है कि साले यूट्यूब पे कोई पंडित है ही नहीं है। जितने भी आज की डेट में पकड़े गए हैं, लूटे गए हैं, जितने भी रेप कांड वांड में फंसे हैं, इसमें से कोई ब्राह्मण बता दो, खुद देख लेना। ठीक है, क्या होता है, ये सब फेक हैं, सारे फेक हैं। 5-7 लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो कि वो पैसा तो लेते नहीं है, ना ये कॉलिंग वॉलिंग का सिस्टम रखते हैं किसी को, ना कोई वो विशेष वो करते हैं, वो जानकार हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हमारे चैनल में आके अपना नंबर देते हैं, गलत कमेंट करते हैं हमारे के चैनल, वो क्यों हमसे चिढ़े हुए हैं बता दूं। जब वो कमेंट डालते हैं एस के एस्ट्रोलाइजर संपर्क करें गुरुजी का नंबर, तुरंत मैं रिप्लाई देता हूं कि बेटा किसी को एक रुपये ना दें, मेरा नंबर ये है किसी को, तो वो बेचारे ठग नहीं पाते किसी को, तो झुझला के अपने 8-10 लोगों से कमेंट करवा देते मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर भैया सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जो जैसा करेगा भरेगा, अच्छा सोचो, अच्छा उन्नत करो, ये सब छोड़ो, किसी दिन लपेटे में आ जाओगे तो पता चल जाएगा कि तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है। ठीक है, वो कमंडल वाले, दाढ़ी वाले, वो शमशान वाले बाबा मत समझो मुझे, घर ही बैठ के 2 लौंग जला के निपटा दूंगा, सही हो जाओगे। या चैनल में से बहुत सारे दर्शक मेरे पास आए हैं जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे निवेदन है, खुद बताइएगा कि हमारे यहाँ हमारा आचार विचार संस्कार और जो शक्तियाँ उन्होंने देखी, मैं क्या हूँ। आज तक का मैंने कभी प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ना मैंने कभी प्रूफ दिया हूँ कि देखो इतने लोगों को काम कर लिया हूँ, ये कर लिया हूँ, क्यों दूँ भाई, कोई बिजनेस करना है क्या, क्यों अपने अपने को सफाई दूँ कि ये देखो मैं ये हूँ वो हूँ वो हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये प्रत्यक्ष कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्यों करूं, मदारी हूं, ड्रामेबाज हूं कि मैजिशियन हूं कि स्टेज पे मैजिक दिखाऊं। साधना है बच्चों, जितनी गुप्त रखी जाएगी, जितनी इसको छुपा कर रखेंगे उतने ये उन्नत करेगी। ठीक है, और एक चीज बता दें, हमारे जितने विरोधियों हो, हमारा परिवार इतना बड़ा है, चमत्कार को नमस्कार, सोच लो अगर हमारे परिवार के लोग आपके ऊपर नाराज होंगे तो आपका क्या हश्र होगा। फिर भी मैं निवेदन अपने परिवार के सभी लोगों को रोक रखा हूं कि कोई ऐसे लोगों को अभद्रता ना बोले, ना कुछ कहे, भगवान ने ऐसी बुद्धि उन लोगों को दे रखी, उनके माँ बाप ने पता नहीं कैसे किस सोच से किस घड़ी में किस नक्षत्र में क्या गलती की थी कि ऐसे नालायक पुत्र हो गए। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, अच्छा रास्ता सुने, उन्नत करें, अच्छे चीज सोचें, अपने परिवार में मस्त रहें, देश की सेवा करें, यही। जाने जाने में इस वीडियो में अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो या हमारे शब्द किसी को ठेस पहुँचा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर हृदय से माफी मांगता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।